So the only thing that will make you get out of bed day after day is, you know, your passion for the work you're doing. Yeah, that is well said. Ruzan, let's also talk a little bit about how important it is for today's youth to be multidimensional, to be multi-potentialites, so to speak. You're someone who played sports in college. You played badminton. You played volleyball. You were into dramatics. How did you know about badminton? I do my research well. नहीं बड़ी कहीं भी नहीं है बहुत कम लोग जानते हैं कहीं तो है मुझे पता चल गया पॉसिबल ही नहीं है आई लव टू चेक नाउ यू वर आल्सो इनटू द ड्रामेटिक्स या वॉलीबॉल हां ड्रामेटिक्स लिखा है मैंने यू वर द फर्स्ट लेडी जनरल सेक्रेटरी वो भी लिखा है वो भी लिखा है वो तो मैट्रिमोनियल बायोडाटा था मेरा तो पर मुद्दे की बात ये है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट थिंग्स व्हाइल यू आर यंग बिकॉज यू व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट बी वर्किंग ऑल द टाइम एंड sort of developing other skills around true I agree with you but usse pehle if you don't mind mere ko ek aadat hai but I'm sorry for that aapne bhi jo wo struggle ki baat ki can I ek minute pe baat kar sakti hu struggle ke bare mein sabse pehle sorry I mean with due respect to all the esteemed panelist I hate this word struggle ye struggle kya hai bhai ye to challenge hai I call it challenge the reason being ke once you use the word struggle aapka mentality struggle pe aati hai takleef pe aati hai when you use the challenge aapki mentality energize hoti hai ki ha mujhe karna hai ye mere liye challenge hai second point very important point jaise ki mera isp ka business tha humko pedo pe chadhna tha main bhi chadhti thi seriously chadhti thi hum dhabe pe chadhte the so what I would never say when people would ask me ki Ruzan struggle hai main ko nahi struggle nahi hai yaar ye to mera kaam hai कितने लोग पेड़ पे चढ़ते जैसे कि ये फिल्म स्टार बोलते मैं बस में जाता हूँ ट्रेन में जाता था पहले अरे भाई तू जाता है तो दूसरे 50,000 लोग और भी जाते हैं बस और ट्रेन में तू अकेला जाता है क्या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इट इज नॉट स्ट्रगल इट इज चैलेंज आज के बाद दिमाग में ये लिख लेना अगर आपने ये लिख लिया तो आप जो भी करोगे बहुत अच्छी तरह पढ़ पाओगे नाउ टू योर पॉइंट ऑफ मल्टी टास्किंग बचपन से ऐसा हुआ है मैं अपने आप को सुपरमैन समझती हूँ समझ सकती हूँ ना अब जब मैं सुपरमैन अपने आप को समझूंगी तो मुझे मल्टीटास्किंग करनी जरूरी है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे हमेशा हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की आदत थी अब टांग अड़ाने यानी हर चीज में जैसे कि आप पढ़ाई में थोड़ी कम आदत थी लेकिन स्पोर्ट्स ले लो ड्रामेटिक्स ले लो पॉलिटिक्स कॉलेज पॉलिटिक्स यानी नॉट वो वाली पॉलिटिक्स नहीं स्कूल कॉलेज वाली पॉलिटिक्स वो वाली पॉलिटिक्स सब में मुझे आगे आना था डिबेट ले लो कुछ भी करो तो व्हाट आई यूज्ड टू डू एंड आई विल टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट अच्छी बात बता दूं मुझे एक चीज नहीं पसंद थी पता क्या गरबा तो वो स्कूल में गरबे होते ना अरे रुको ऐसा मत करो बताती हूँ क्या है वो वाला गरबा नहीं समझाती हूँ मैं वो चनिया चोली पहनने वाला गरबा तो होता क्या था कि वो स्कूल में जब गरबे और रास हमारे टाइम पे रास भी बहुत पॉपुलर तो गरबे में पार्ट नहीं लेती थी क्यों नहीं लेती थी क्योंकि मुझे चनिया चोली फाता नहीं था अब समझो तो हुआ ये लिसन टू मी दिस इज समथिंग वर्थ तो मेरी टीचर ने मेरी मम्मी को कंप्लेन किया कि रुझान को गरबा आप कराओ और चनिया चोली पहनाओ तो बिलीव मी मैंने वो भी किया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर चीज फिर करने की एंड वन थिंग इसलिए मेरे को ये अच्छा लगता है व्हेन यू डू डिफरेंट थिंग्स यू लर्न डिफरेंट थिंग्स राइट जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग यू हैव टू बी ओपन टू इट आपका माइंड अगर आज आप यहां बैठे हो अभी यस डिड टेल कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखना मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा बट कब मिलेगा जब आपका माइंड ओपन होगा अगर आप क्लोज माइंड में बैठो कि चल भाई आते हैं बैठे वन थिंग वेरी यहां मैंने बहुत अच्छी चीज देखी क्या पता है कई बार सेमिनार्स और उसमें लोग मोबाइल पे होते हैं यहाँ पे कोई भी मोबाइल पे नहीं है सब हमें देख रहे हैं सो थैंक यू फॉर दैट सो वेरी वेरी पार्टिसिपेटिव ऑडियंस और एक चीज मैंने नोट की मैं बोल दू कब से दिल में आ रहा है बोल दो ना ये भाई इतनी अच्छी आप भैया आप इतनी अच्छी तस्वीर बना रहे हो चश्मे बश्मे गॉगल्स पहना है एक साथ में मोबाइल भी रख देना सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ योर्स सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब तक आप मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे आप मल्टी चीजें नहीं करेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि आप इनकम्प्लीट हो जस्ट अ स्टेटमेंट फॉर माई सेल्फ तो अगर आपने सब कुछ किया तो आप इतना प्राउडली बोल सकोगे क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स भी किया है मैंने हॉकी नहीं किया है बैडमिंटन वॉलीबॉल खेला है बट वट एवर यू डू यू विल गेट गेन कॉन्फिडेंस एंड अल्टीमेटली लाइफ में एक चीज याद रखना मेरे डैडी ने सिखाई थी जब 12th के एग्जाम में थोड़ा ढीला ढीला काम चल रहा था ना तब डैडी ने ये सिखाया कि बेटा कुछ भी लूज करना लेकिन कॉन्फिडेंस मत लूज करना ऑलवेज रिमेंबर दैट इज That is a mantra to remember for everyone of all ages. But we are running out of time, so I'm going to give each of you 30 seconds each, no more than 30 seconds each. Leave the young people here with a message today. The theme is Shaping a New India, the story of a billion dreams. The youth is crucial towards shaping a new India. So what's your one-line message to young India? What sort of a contribution should they be making in whatever capacity they can? Right now you want to start? I would encourage everybody out